प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश भर के बच्चों से अपने प्यार का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करते हैं, मानो वो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हों और देश भर के बच्चों को अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी नरेंद्र मोदी अक्सर बच्चों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं और इस दौरान न सिर्फ मोदी ने बच्चों के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया बल्कि बच्चों के बीच भी मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का ही करिश्मा है कि मोदी न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 100 दिनों के अंदर अपने कार्यकाल के दौरान जब कभी भी वो किसी कार्यक्रम में गए तो वहाँ के स्थानीय बच्चों से मिलने से वो कभी नहीं चूके। बच्चों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अनोखा नजारा तब देखने को मिला जब 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के मौके पर मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधन देने के बाद वहाँ पर मौजूद बच्चों के बीच पहुँचे और उनका उत्साहवर्धन किया। लाल किले पर अपने आधिकारिक कार्यक्रम के बाद प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए मोदी खुद को बच्चों से मिलने से ना रोक सके और स्कूली छात्रों के बीच जब वो पहुंचे तो हर एक बच्चा प्रधानमंत्री की शख्सियत से प्रभावित होकर उनसे हाथ मिलाने को आतुर नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर अपनी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी बच्चों को उनके पास आने से ना रोकने का निर्देश दिया है और बच्चों की उन तक पहुँच को आसान बना दिया है। नरेंद्र मोदी ने खुद की बच्चों के बीच जो एक स्वीकार्य छवि बनाई है उसका ही आलम है कि मोदी कहीं भी जाएं वहां के बच्चे उनसे मिलने को आतुर नजर आते हैं और मोदी भी बच्चों से मिलने का कोई मौका नहीं चूकने देते। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ दिल्ली में मुलाकात की और बच्चों से सीधा संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री एक अच्छे श्रोता के रूप में बच्चों को सुनने का मौका भी नहीं छोड़ते और उनके मन की बात को भलीभांति समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी अक्सर स्कूली बच्चों के बीच जाया करते थे और उनसे लंबा संवाद स्थापित करते थे और ये सिलसिला लंबे समय तक कायम रहा जो परंपरा के रूप में गुजरात सरकार आज भी कायम रखे हुए है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को जो नेपाली बच्चा जीत बहादुर सिंह मिला था उसे न सिर्फ उन्होंने पढ़ाया बल्कि नेपाल में उसके परिवार से भी मिलवाया। ये वो वाक्य है जिसने नरेंद्र मोदी के एक अलग और बच्चों के प्रति संवेदनशील रवैये को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए दान कर दिया था। इन तमाम वजहों से ही मोदी का बच्चों के प्रति प्रेम साफ झलकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन में बच्चों के प्रति स्नेह, सहज मौजूदगी और संवाद की तस्वीरें इस बात का परिचायक है कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी भावी पीढ़ी के मन को छूने में किस हद तक सफल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बच्चों में लगातार बढ़ती लोकप्रियता का आलम यह है कि उनके प्रशंसक बच्चे देश की सीमाओं से बाहर भी कम नहीं है। इस बात का उदाहरण मोदी की हालिया विदेश यात्राओं के दौरान तस्वीरों से साफ झलकता है जिसमें विदेशी बच्चे हाथों में भारतीय झंडा लिए हुए मोदी के स्वागत में मौजूद नजर आ रहे हैं। बात चाहे भूटान यात्रा की हो या फिर नेपाल की सड़कों पर मोदी को मिले अपार स्नेह की हो या फिर जापान के बच्चों में मोदी के प्रति आकर्षण की हो, सब जगह मोदी के प्रति बच्चों का प्रेम एक अलग ही अंदाज में नजर आता है। प्रधानमंत्री की भूटान और नेपाल यात्रा के दौरान वहां की सड़कों पर जिस तरह से अपार जनसमूह मोदी के स्वागत में उतरा उसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं और बच्चों की थी जो मोदी की देश की सीमाओं के बाहर लोकप्रियता का परिचायक है। मोदी की हाल ही की जापान यात्रा के दौरान उनके नए और अनोखे रूप के दर्शन हुए। जहां वो बच्चों के बीच बांसुरी बजाते नजर आए तो उनकी ढोल बजाने की काबिलियत से भी दुनिया रूबरू हुई। किसी प्रधानमंत्री के इतने रूप और बहुआयामी प्रतिभा ही उन्हें बच्चों के बीच दिन ब दिन और ज्यादा लोकप्रिय बनाती जा रही है। नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान वहां के एक स्कूल का दौरा किया तो बच्चों को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई जो बांसुरी बजाया करते थे। भाषाई बंधन के बावजूद मोदी का विदेशी बच्चों से संवाद स्थापित करने की महारत हासिल करना भी उनकी प्रतिभा का एक अहम हिस्सा है जिसके कारण बच्चे खुद को उनके करीब पाते हैं। नरेंद्र मोदी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं होने देते। इस बात का उदाहरण जापान में भी देखने को मिला जब मोदी ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर आम लोगों के बीच पहुंचकर बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीतिक कुशलता से अपने बड़े बड़े राजनीतिक विरोधियों को कोसों पीछे छोड़ दिया है लेकिन उनके व्यक्तित्व का ही करिश्मा है कि जहां उनके राजनीतिक विरोधी उनके मुरीद होते नजर आ रहे हैं तो वहीं दुनिया भर के बच्चों के बीच उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से भी वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित होते नजर आ रहे हैं। जहां उनकी छवि एक ऐसे विश्व नेता की बनती नजर आ रही है जो विश्व की भावी पीढ़ी को आपस में जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस के दिन अपनी बात देश भर के बच्चों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का सहारा लिया है और स्कूली बच्चों से संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल की है। आरएन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।